दोस्तों टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है गवर्नमेंट टीचर्स की। ऑनलाइन ही आपको इनके लिए आवेदन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इनकी चल रही है। अपर एज लिमिट 53 साल यहाँ निर्धारित की गई है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। तो एज लिमिट का तो दोस्तों अब कोई इश्यू रहा ही नहीं है। कुल पद 1768 है। सेकेंडरी ग्रेड टीचर पद का नाम है। पे स्केल है 20,600 से 75,900। लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी। मैं फिर से बता देता हूं, परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स की ये रिक्रूटमेंट आई हुई है टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड के तरफ से। तो अब देखते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन, उसी के माध्यम से सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपर एज लिमिट जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 53 साल यहां निर्धारित की गई है। बाकी जो कैटेगरीज हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास मुस्लिम, बैकवर्ड क्लासेस, एमबीसी, डीडब्ल्यू के लिए अपर एज लिमिट 58 साल यहां निर्धारित की गई है। और दोस्तों एज लिमिट के बाद अब आवेदन करने की अंतिम तिथि देख लीजिए। 9 फरवरी 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सेकेंडरी ग्रेड टीचर 2024। 14 फरवरी 2024 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मार्च 2024 है और एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा 23/6/2024 को। अप्लाई नाउ इस लिंक पे क्लिक करके आप इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब इनके लिए एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं क्या निर्धारित की गई है। जहां तक क्वालिफिकेशन की बात है, इनके लिए 10+2 50% अंकों के साथ आपने कर रखी हो और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में आपने कर रखा हो, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, या 10+2 45% अंकों के साथ 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर 10+2 50% अंकों के साथ और 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BEIED आपने कर रखा हो, या 10+2 50% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में आपने कर रखा है, तो भी आप इनके लिए एलिजिबल हैं। और उसी के साथ साथ अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में कर रखा है तो भी आप इनके लिए एलिजिबल हैं। और उसी के साथ साथ पास्ट इन तमिलनाडु टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TNTET पेपर 1 है जी दोस्तों, तमिलनाडु टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर 1 भी आपका क्लियर होना आवश्यक है, क्योंकि जो ये रिक्रूटमेंट है, ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड तमिलनाडु की तरफ से। trb.tn.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है और ये नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि मैं आपको बता ही चुका हूं, उसे बढ़ा दिया गया है और 20 मार्च 2024 तक अब आप इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डिटेल्ड नोटिफिकेशन फरवरी में ही जारी कर दिया गया था। यहां आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च है, 15 मार्च नहीं अब 20 मार्च है आवेदन करने की अंतिम तिथि। तमिलनाडु एलिमेंट्री एजुकेशन सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सर्विस का नाम है, पोस्ट कोड है 2024 SGT। पदों का विवरण मैं आपको बता चुका हूँ। करंट वैकेंसी 1729 है और बैकलॉग की 39 वैकेंसियां इसमें शामिल है। मेन मेन डेट्स यहाँ फिर से दे दी गई हैं। इनके लिए एज लिमिट मैंने आपको बता दी है, क्वालिफिकेशन क्या निर्धारित की गई है वो जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। एप्लीकेशन फीस और दोस्तों इनकी देख लेते हैं, ये है दोस्तों एप्लीकेशन फीस, ₹600 एप्लीकेशन फीस इनके लिए निर्धारित की गई है। SC, SCA और ST और डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन के लिए एग्जामिनेशन फीस ₹300 यहाँ निर्धारित की गई है। तो दोस्तों इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट और डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से शेयर की गई। वीडियो अच्छा लगा तो आप भी इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।